बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के अंदर वेलकम। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे जी ऑर्गेनाइजेशन की, या जिसे हम कहते हैं तंजीम, या जिसे कहते हैं इदारा। ठीक है कि ये क्या है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम इसे कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे। तो इसमें हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो चार जो है वो टॉपिक्स हैं। पहला है हमारे पास डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से और इसकी टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन की हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जी कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिसे हम कह रहे हैं तंजीम या इदारा जिसे कह रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम इसे कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पार्टिकुलर पर्पस सच एज बिजनेस आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये बिजनेस प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी हो सकता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लोगों का जो कि किसी पार्टिकुलर किसी खास पर्पस के लिए हो, बिजनेस के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, यानी लोगों का ग्रुप आप इसे कह सकते हैं। लेकिन ये लोगों का ग्रुप जो है, इसकी सबसे खास बात क्या है, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक पार्टिकुलर पर्पस के तहत है, किसी मकसद के लिए ये काम कर रहा है या किसी मकसद के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट के अंदर कि भाई पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, तो उसका मतलब वो उसका काम क्या है, हेल्थ का जो है वो काम करना। इसी तरह अगर एजुकेशन का है तो उसका पार्टिकुलर काम जो है वो सिर्फ एजुकेशन को देखना है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं जी कि भाई पुलिस है, तो हम ये कहते हैं कि भाई पुलिस का स्पेसिफिक काम जो है वो उसी का ही है, सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का। तो स्पेसिफिक पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, अदरवाइज ग्रुप ऑफ पर्पस तो कहीं जो है वो घूमने भी जा सकते हैं, कहीं वैसे भी जो है वो एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन एक पर्पस के लिए जब इकट्ठे होंगे तो तभी हम उन्हें कहेंगे कि अब भाई वो क्या है, वो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी हो सकता है या बिजनेस, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है या वो एक इदारा है। ठीक है, अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन का जैसे मैंने कहा कि मतलब क्या आप ले सकते हैं यहां पे समझने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इदारा। ठीक है, तो जब आप इदारा समझेंगे तो फिर आपको जरा आसानी से समझ आएगी कि एक्चुअली में हम जो आगे बातें करेंगे वो थोड़ा सा आपको समझ आने में आसानी हो जाएगी कि इदारा क्या है, इदारा कैसे काम करता है, इदारे की कितनी टाइप्स हैं, इदारा चलाने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम इस तरह की जो है ना इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की बातें करेंगे या इदारे की बातें करेंगे। अच्छा, अब तीन मीनिंग बेसिकली लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहला एक मीनिंग लिया जाता है डिजाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए क्या है, एक इदारा बनाया जाता है जाके उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा क्या है जी, डिजाइनिंग द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, डिजाइन करना स्ट्रक्चर को और फिर साथ में उसको बिल्ड करना कि भाई वो किस तरह से होगा, उसके डिपार्टमेंट्स क्या होंगे, कैसे वो डिपार्टमेंट्स काम करेंगे। और थर्ड पे क्या है, स्टेटस आर स्ट्रक्चर इटसेल्फ, कि फिर उसका पूरे का पूरा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि उसका स्ट्रक्चर अब क्या है। ठीक है, जैसे अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो एजुकेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर है कि भाई ऊपर से नीचे तक वो कैसे काम करेगा, फिर उस इदारे जहां पे वो इदारा मौजूद है उस इदारे का उस जगह पे एक स्पेसिफिक प्लेस पे एक स्ट्रक्चर है। तो उसका मतलब ये है कि वर्टिकल उसका स्ट्रक्चर क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, और हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर उसका क्या है, ये चीजें जो है ये स्ट्रक्चर या डिजाइन का हिस्सा है। ठीक है, किसी भी इदारे के। अब हम कहते हैं जी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है, तो एक सिंपल सी बात है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही हम क्या कह रहे हैं, अवामी इंतजामिया या हुकूमती इंतजामिया। हमने इसे स्टार्ट में डिफाइन किया अपने समझने के लिए कि हुकूमती इंतजामिया का मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो अल्टीमेटली इंतजामिया कैसे काम करेगी। देखिए, हम कहते हैं नो एडमिनिस्ट्रेशन नो ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी, यानी कोई इदारा ही नहीं होगा, तो काम कैसे होगा, क्योंकि काम करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक बॉडी चाहिए। ठीक है, तो जब बॉडी चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसी को तो हम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक रूट, ठीक है, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस जितने भी हैं उसकी जो सबसे बेसिक रूट है, अगर हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की क्या रूट है या उसकी जड़ें क्या हैं, सबसे बेसिक चीज, तो वो अल्टीमेटली इदारा ही है। उस इदारा जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं और उस डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, वो बैठे हुए हैं और वो वहां पर बैठ के अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है,
राइट ऑर्गेनाइजेशन लीड टू राइट डिसीजंस, यानी कि अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा बना होगा इदारे का जो वाकई में जो है वो प्रॉपरली बना होगा, उसके पीछे जो है वर्क हुआ होगा कि भाई किसी भी स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टली कैसा होना है और वर्टिकली कैसा होना है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसा होना है, स्पैम ऑफ उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना होना है, तो फिर ये अगर राइट होगा तो अल्टीमेटली तब ही डिसीजंस भी राइट लिए जाएंगे। अदरवाइज अगर ये स्ट्रक्चर जो है इदारे का स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है, उसका ढांचा ठीक नहीं है, ठीक है, हमें पता ही नहीं डेलीगेशन क्या है, वहां पर कैसे डेलीगेट करें ड्यूटीज को, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर एक ऐसा बनाया, तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगा और वहां पे काम जो है वो अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए राइट ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू राइट डिसीजंस। और इदारे का पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग डिफरेंट यूनिट्स, कि भाई उसने क्या इदारा जो है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर या मुख्तलिफ जो है सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा अपने काम के हिसाब से, कि जिस भी ब्रांच का जो भी काम होगा उस हिसाब से उस ब्रांच को हम डिवाइड करेंगे, कि भाई जिस ब्रांच का काम है पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन करेगा, जिसका काम है रिसर्च वो रिसर्च करेगा, जिसका काम है आगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करेगा। तो इस तरह से जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोवाइड चैनल फॉर कम्युनिकेशन, ये जो इदारा है ये क्या करता है, चैनल कम्युनिकेशन का प्रोवाइड करता है, यानी कि आपकी बात आगे ले जाने के लिए पूरे सिस्टम को फ्लो के लिए एफिशिएंसी के लिए इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन। कमांड एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर जो है कमांड एंड कोऑर्डिनेशन मौजूद होगी अल्टीमेटली, कि ऐसा भी नहीं हो सकता सब एक बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर का होना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि अथॉरिटी भी होगी जिसको हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, जिम्मेदारी भी होगी कि भाई जो पोजीशन है या जो पोस्ट है या जिसे हम सिंपली कहें जो ऑफिस है, उस ऑफिस की एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम कहते हैं कि भाई डीसी साहब का काम क्या है, पूरे के पूरे जिले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसका मतलब इनका जो ऑफिस है उसका ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ एक अथॉरिटी भी मौजूद है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वो उसको पूरा करेंगे। अल्टीमेटली अथॉरिटी के बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये कुछ बेसिक चीजें अभी हम सीख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम सीख रहे हैं कि ये क्या है बेसिकली। अच्छा, अब मजीद अगर इसको हम डिफाइन करते हैं स्कॉलर्स की जो है वो नजर में, कि वो क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या है जी, कनेक्टिंग इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, के ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में क्या है कि जो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे अगर कहीं पे कम्युनिकेशन का है, कहीं पे रिसर्च का है, कहीं पे पब्लिकेशन का है, कहीं पे डिसीजन मेकिंग का है, कहीं पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का है, मुख्तलिफ तरह के, कहीं पे मार्केटिंग का है, ये चाहे गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, हमें बहुत से डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स का सेपरेटली काम करना और फिर इसके साथ साथ इनका एक जगह पे इकट्ठा होना, ठीक है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी के तहत काम करना, ये सारे का सारा यही इसी को हम कहेंगे ये इदारा है। जेम्स डी मॉनी जो है ये स्कॉलर्स को डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस, कि भाई ये एक ऐसी फॉर्म है एसोसिएशन की साथ काम करने की जिसमें एक कॉमन पर्पस के लिए जो है वो काम किया जाता है, कि जैसे मैं कह चुका हूं कॉमन पर्पस जिसको हम कहते हैं मकसद, वो बहुत जरूरी है कि किसके लिए इदारा बना, एक स्पेसिफिक इदारा जो है वो किसके लिए बना। जैसे अगर हुकूमत है तो हुकूमत ने क्या किया, बहुत से इदारे बनाए हुए हैं फेडरल के ऊपर भी और प्रोवेंशियल लेवल के ऊपर भी, तो ये बहुत से इदारे डिफरेंट इदारा जो है वो काम या ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, लेकिन एज ए होल ये हुकूमत का हिस्सा है। अच्छा, प्रोफेसर फाइफर साहब जो है ये इसको एक्सप्लेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड ऑफ ग्रुप्स, के इंडिविजुअल के इनफरादी तौर पे एक बंदे के दूसरे बंदे के साथ क्या ताल्लुकात हैं, ठीक है, और साथ में ग्रुप्स के जो है आपस में क्या ताल्लुकात है ग्रुप के दूसरे ग्रुप के साथ, विच आर सो रिलेटेड एज टू ब्रिंग अबाउट एन ऑर्डरली डिवीजन ऑफ लेबर, कि इसका जो पर्पस है बेसिकली वो क्या है कि एक ऐसी तकसीम लेबर की या वर्कर्स की, आप इसे सिंपली कह लें कि वर्कर्स की एक ऐसी तकसीम कि जो जिनके पास डेलीगेशन हो कि भाई कौन सा काम किसने करना है, किस इदारे के तहत कैसा काम होगा, किस तरह से होगा, यानी पूरा एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन सिंपल। अब 3 steps फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के हैं कि भाई 3 steps जो है वो हमें लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज नेसेसरी अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स असाइंस टू इंडिविजुअल, कि सबसे पहला काम क्या होगा कोई भी इदारा बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक्टिविटीज को अपनी देखना होगा। जैसे हम कहते हैं किसी भी प्राइवेट इदारे में अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वीएन क्या है भाई, हम एक बंदा कहता है भाई मैंने जो है फलां प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेट सपोज मैंने एजुकेशन देनी है तो मुझे इसका मतलब स्कूल बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमारी एक्टिविटीज क्या होंगी स्कूल के अंदर, इसका मतलब स्कूल के अंदर टीचिंग होगी, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल के अंदर पूरा उसका स्ट्रक्चर होगा,
लैब्स होंगी या बाकी सब चीजें जो भी होंगी, तो सबसे पहले डिटरमाइन करना है किसी भी इदारे के लिए। दूसरी चीज क्या है, उसकी स्टाफिंग है। अब जब हमने पहले जब वीएन को वाजे कर दिया, स्ट्रक्चर को देख लिया, तो इसका मतलब अब हमें स्टाफ चाहिए। क्या चाहिए? टीचर्स भी चाहिए, वहां पे स्टूडेंट्स भी चाहिए, वहां पे जो है वो वर्क करने के लिए काम वाले भी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, ठीक है। तो फिर दूसरे नंबर पर स्टाफिंग होगा, और थर्ड पे क्या होगा, वर्क फॉर कॉमन पर्पज। और कॉमन पर्पज के लिए सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड है, बेशक वो गेट के बाहर ही खड़ा है, लेकिन एक्चुअली उसका काम भी क्या है, वही है जो टीचर का काम है, कि टीचर काम कर रहा है डायरेक्टली पढ़ाने का, और ये जो गेटकीपर या गार्ड साहब है, ये इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं उस इदारे को सिक्योर करने का, ताकि वहां पे पढ़ाया जा सके। तो एक्चुअली में उस वीएन को मीट करना है, उस मकसद को मीट करना है जिसके लिए जो है वो इदारा बनाया गया है। तो ये थ्री स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएट करने के, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डाइवर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उनके, ठीक है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ पर्पस के ऊपर बनती हैं। एक ही इवन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो वो डाइवर्स गोल्स उनके हो सकते हैं, और उनके ऑब्जेक्टिव भी जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो हुकूमत की सतह पर अगर हम देखते हैं, तो हमें बहुत से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देती हैं, और बहुत से जो है ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देती हैं, और हर एक का पर्पस दूसरे से डिफरेंट है, उसका गोल दूसरे से डिफरेंट है, जिसे हम मुख्तलिफ इदारे कहते हैं हुकूमत के। Fulfill these goals self-sufficient administratively and financially, कि भाई इन goals को, इन मकासद को जो है वो हासिल करने के लिए सबसे important चीज़ क्या है, कि administration की आज़ादी चाहिए, ठीक है, और साथ में financial आज़ादी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आपने जो है ना वो law and order को बरकरार रखना है, लेकिन ultimately आपके पास police की गाड़ियाँ ही नहीं हैं, आपके पास staffing नहीं है, आपके पास असलाह नहीं है, तो problem है। तो जो जो भी इदारा होगा, जिसके लिए भी होगा, ultimately उसके पास financial independence होनी चाहिए, यानी उसको जो budget allocate किया गया वो उसको use कर सके, और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको जो है वो फुली जो है वो कंप्लीटली अथॉरिटेटिव वे के अंदर उसको यूज कर सके अपनी अथॉरिटी को। ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इदारे के लिए। अब अगर हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कितनी टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो बेसिकली दो टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, एक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है रस्मी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी है गैर रस्मी ऑर्गेनाइजेशन। अब रस्मी का मतलब है कस्टम्स के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, लॉज के साथ, ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो कस्टम और ट्रेडिशन और लॉज के साथ बना हुआ है। गैर रस्मी का मतलब यह है कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और वहां पर वो काम कर रही है। अब अगर हम इनको मजीद देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि रस्मी तंजीम क्या है। रस्मी तंजीम का मतलब देखिए क्या है, सबसे पहली चीज मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि सबसे पहली चीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, कोई भी इदारा है, ठीक है, तो उस इदारे का सबसे पहली चीज क्या है, एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर क्या चीजें शामिल हैं जी, मटेरियल शामिल है, ठीक है, चाहे वो किताबें हो, कुर्सियां हो, मेज हो, कुछ भी हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरह से वहां पे मेथड्स जो हैं वो साथ में शामिल होंगे, भाई इसको रन कैसे किया जाएगा, जिनको हम कहते हैं लॉज, कि वहां पे लॉज मौजूद होंगे। दूसरी चीज क्या है, लॉजिकल प्लान्ड डेलिबरेटली डिजाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जो मैं स्टार्ट में बात कर चुका हूं स्कूल की एग्जांपल देके, कि भाई ये इदारा ये काम करेगा, ये इदारा ये सब डिवीजंस हैं, ठीक है, सब डिवीजंस है एक ही इदारे के, तो इसका मतलब यह है कि ये लॉजिकली डिजाइन किया गया है और बाकायदा प्लानिंग के तहत डिजाइन किया गया है, कि ये काम ये करना इसने करना है, ये इसने अलग अलग डिवीजंस में काम करना है, और डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ये फॉर्मल के अंदर है। थर्ड क्या है जी, ऑपरेट्स मैनुअल्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स, कि इस इदारे ने अब काम कैसे करना है, एक्चुअली में लॉज के तहत काम करना है सिंपली, यानी कवानीन जो बनाए गए हैं उन कवानीन के तहत काम करना है, और इदारे के अंदर जो काम होता है उसको हम कहेंगे एसओपी हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हम कहेंगे एसओपीज हैं, और प्राइवेट लेवल के ऊपर भी आपको पता है स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स हैं, कि भाई इस बंदे ने, एक बंदा अगर जो है वो हम कहते हैं कि गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर जो है एक्चुअली में ड्राइवर की क्या क्या एसओपीज हैं, कि भाई गाड़ी को साफ भी करना उसी की एसओपी है अल्टीमेटली, क्योंकि चलाता वो है तो साफ भी वही करेगा। ऐसे ही उसका फ्यूल जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है, लेकिन पैसे तो वो नहीं लगाएगा, लेकिन उसको उसको ये ख्याल तो रखना है कि भाई कहीं फ्यूल खाली ना हो जाए, क्योंकि वो चला तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, पैसे तो मालिक से लेगा। अच्छा, इसी तरह से हम कहते हैं जो उसकी एसओपीज में ये है कि वो जो है उसकी मेंटेनेंस जो है उसका कंप्लीट ख्याल रखे। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं तो पता चले रास्ते में जी जो जो है वो यहाँ पे टायर ही नहीं, इसका फट चुका है, तो अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो ये तो एक ड्राइवर की अगर हम बात करें एसओपीज हैं, तो सिमिलरली अगर एक एसी साहब हैं या एक डीसी साहब हैं, तो उनके भी एसओपीज हैं और वो लॉज के तहत वो काम करते हैं, और ये जो एसओपीज हैं यही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ट्रेडिशनल थ्योरीज फोकस करती हैं फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरीज का मतलब जो है रस्मी है, तो अल्टीमेटली जो रस्मी थ्योरीज हैं, जो रस्मी जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं, ट्रेडिशनल स्कॉलर्स जिसका ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूं, क्लासिकल हमने जब स्टडी की थी,
क्लासिकल अप्रोच की। तो उस क्लासिकल अप्रोच के तहत हमने क्या देखा था कि फॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है कि भाई इदारा कैसे काम करेगा, इदारे का जो सिस्टम है क्या होगा, लॉस क्या होंगे, डिवीजंस डिपार्टमेंट्स की क्या होगी। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है फॉर्मल डिवीजन के अंदर या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। मैन आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, मटीरियल एंड मेथड्स आर इंपॉर्टेंट। कि फॉर्मल के अंदर इंसानों का, ये जो काम कर रहे वर्कर्स हैं, ठीक है, उन वर्कर्स का इतना ज्यादा अहमियत नहीं है, बल्कि वो वर्कर्स काम कैसे करेंगे उस काम की ज्यादा अहमियत है। ऑफिशियल अथॉरिटी इज जो उनका हर्ट है, हायरार्की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल अथॉरिटी जो है, यानी कि जो भी हायरार्की या वो स्ट्रक्चर वहां पे जो फॉलो हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऑफिशियल अथॉरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये वेरियस लेवल्स के ऊपर हो सकती है, जिसका स्ट्रक्चर पैरामिड की शक्ल में जो आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। यानी टॉप पे मोनोक्रेटिक अथॉरिटी है, और नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो वो डिवाइड होती जाएगी, ठीक है, और वो एक्सपैंड होती जाएगी, इस तरह से खुलती जाएगी, एक पैरामिड टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रस्मी तंजीम, जो कि प्रॉपर लॉज के तहत, प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत, प्रॉपर जो है वो एसओपीज के तहत काम करती है। जिस भी जो भी इदारा जब बनाया जाता है तो ये चीजें सबसे पहले हैं कि भाई स्कूल की जो है वो अगर बिल्डिंग है या यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, इसी तरह से कोई भी इदारा है तो उसकी एक बिल्डिंग है, और फिर उसके बाद उसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ तरह से वो काम करेंगे, वहां पर फर्नीचर मौजूद है, जिस तरह से ऑपरेट होगा, बाकी चीजें होंगी, तो ये सारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, गैर रस्मी तंजीम की, वो क्या है, इसके गैर रस्मी तंजीम के अंदर जैसे उसमें कहा मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां मेंस और इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है इनफरादी तौर पे, यानी इसमें वो लोग इंपॉर्टेंट हैं जो उसके अंदर काम करेंगे। कि ये इदारा है, इसके अंदर ये इदारे के अंदर सब डिवीजंस हैं, लेकिन इनके अंदर काम कौन करेगा, इस इदारे को रन करने वाला भी एक शख्स होगा, ऐसा ही है। इसी तरह से नीचे जो काम जिनसे लेना है वो भी मुख्तलिफ लोग हैं, और वो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो क्या बनाते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। गो कि एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है दूसरा आता है, लेकिन वो जो चीजें वहां मौजूद है, क्या वो अपने साथ टेबल लेके जाता है, नहीं लेके जाता, क्या अपने साथ कंप्यूटर लेके चला जाता है, ऐसा है, नहीं लेके जाता, यानी वो खुद जाता रहता है, इसीलिए वो इनफॉर्मल है। लेकिन जो चीजें वहां पर स्टैटिक है वो स्टैटिक वहीं पर मौजूद हैं। तो ये लोग जो हैं ये डायनेमिक हैं, इन्होंने आना जाना है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन नेटवर्क्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एंड ग्रुप्स। और ये जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ये किसके ऊपर बेस करता है, ताल्लुकात के ऊपर बेस करता है। क्योंकि आप जिस भी इदारे में जाते हैं, काम करते हैं, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता कि आपने मुंह उठाया और सीधा गए जाके अपने चेयर के ऊपर बैठे, टक 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 काम किया और वापस आ गए, बल्कि आप जाते हैं वहां, हाई हेलो करते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, ग्रुप्स के साथ रिलेशन होते हैं, एक डिपार्टमेंट का दूसरे के साथ लिंक होता है, तो ये उसका हिस्सा है। लेकिन आपकी जॉब का एसओपी तो नहीं है कि आपने आके एक बंदे के साथ वाले को हाथ मिलाना है, सलाम दुआ करनी है, उसके साथ स्माइल करके उसे मिलना है, ये आपकी जॉब का हिस्सा नहीं है। जॉब का हिस्सा क्या है कि भाई ये आपका डेस्क है, ये आपकी चेयर है, यहां पे ये काम आपने करना है और चले जाना है। तो ये इस वजह से इनफॉर्मल है। डील्स विद एम्प्लॉयज बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इनफॉर्मल सिस्टम है ये किसके साथ डील कर रहा है जी, बिहेवियर के साथ। इसलिए ये जो बिहेवियरल अप्रोच जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, ठीक है, अप्रोचेस के अंदर, तो उस बिहेवियरल अप्रोच के सारे का सारा जो डील है वो इसी के साथ हो रहा है कि भाई लोगों के बिहेवियर इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये नहीं है कि आपने लॉज या स्ट्रक्चर बना दिए तो बस वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उनके साथ अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर रहे, उनको मोटिवेट ही नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली वो काम नहीं करेंगे, उनके लिए वो काम बोरियत होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उस काम के अंदर उनके लिए। तो यहां पर इनको किसको स्टडी किया जाता है जी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर्स को जो है वो स्टडी किया जाता है जो वहां पे काम करते हैं। और ये बिहेवियर किसका स्टडी किया जाता है, उनका एक दूसरे के साथ, कि भाई इस बंदे का इसके साथ, इसका इसके साथ क्या लिंक है, फिर ठीक है जी, वो चीजें असरअंदाज होती हैं अल्टीमेटली अगर आप जॉब करते हैं तो, आपको पता है ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सेंटीमेंट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, पर्सनल प्रेजुडिसेस है, आपके किसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं, एजुकेशन है आपकी, ठीक है जी, अच्छा आपके ओपिनियंस वगैरह हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें जो है आपका, जब आप जिस कल्चर से आते हैं वो कल्चर आप अपने साथ लेके आते हैं अपने वर्क एनवायरमेंट के अंदर, वो हो सकता है आपको, क्योंकि कल्चर से बहुत सी चीजें हम सीखते हैं, दूसरों से बात करने का सलीका तरीका कुछ करते हैं कुछ कल्चर्स के अंदर कुछ नहीं। तो बिहेवियरल थ्योरिस्ट जो है अटेंशन ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर वो देते हैं, जो कि उसके अंदर मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। देयर सोशल रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन, के भाई ये जो बिहेवियर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बिहेवियर के ऊपर, एक दूसरे के बिहेवियर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, उनके जो ताल्लुकात हैं। बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज
नॉट सो सिंपल। ये बिलीव करते हैं बिहेवियरल जो थिंकर हैं, ये बिलीव करते हैं कि भाई कुछ लोग, क्योंकि ये कहते हैं कि फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी जो रस्मी स्ट्रक्चर है वही सबसे अहम है। भाई आपने लॉज बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिया, लोग आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे, वो नहीं तो उनकी जगह और सही, वो नहीं तो उनकी जगह और सही। लेकिन ये मानते हैं कि भाई ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, उनका कल्चर कस्टम शामिल हैं, उनके सेंटीमेंट्स शामिल हैं, इसलिए वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। देखिए आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट करते हैं अपने जूनियर्स को तो अल्टीमेटली आपका काम बेहतर तरीके से होगा, स्पीड के साथ होगा। लेकिन आप वहीं पे अगर 12 बना के जो है वो फोर्स के तहत काम करवाएंगे तो काम भी बेहतर नहीं होगा और वो उसके रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे और काम का एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं होगा और एक तनाव जो है टेंशन बरकरार रहेगी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। तो वर्क एनवायरनमेंट को रिलैक्स करना ये जो है ये भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इसलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम देखते हैं डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑलरेडी हम डिफरेंसेस जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफरेंसेस में क्या है जी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल एंड रैशनल, ये ऑफिशियल होगी, जो फॉर्मल है वो हर चीज प्रॉपर है, लॉज के तहत है, रैशनल है, समझ में आने वाली है। इनफॉर्मल जो है वो अनऑफिशियल है और इरैशनल है, जो इन ठीक है वो जैसे हम कहते हैं रस्मी गपशप करना वो तो कंपलसरी नहीं है लेकिन वो हिस्सा तो है। फॉर्मल प्लान स्ट्रक्चर है, कॉरिस्पॉन्डेंट टू अ फॉर्मल डिजाइन है। इनफॉर्मल जो है उसकी नेचुरल ग्रोथ है, लेकिन इनफॉर्मल जो है यानी वो मौजूद है, उसकी नेचुरल ग्रोथ है और इसकी जो है इसकी ग्रोथ के लिए लॉज डिजाइन किए हुए हैं, उस डिजाइन के तहत ये ग्रोथ करेगी, जो फॉर्मल है उसकी बात हो रही है। अच्छा फिर क्या है जी, फॉर्मल के अंदर अगर हम बात करते हैं जी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट अ सेक्शन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, और ये यानी कि एक डिपार्टमेंट हो सकता है, एक सेक्शन या ब्रांच हो सकती है फॉर्मल के अंदर जो डिवीजन की गई उसकी। इनफॉर्मल के अंदर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। मजीद अगर हम बात करें फॉर्मल की, तो फॉर्मल जो है वो डॉक्यूमेंटेड इन चार्ट्स होगा, पूरे का पूरा लॉज के तहत, सिस्टम के तहत होगा। इनफॉर्मल कस्टमरी होगा अपनी नेचर के अंदर, ठीक है, और एक्चुअली वर्क बिहेवियर के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर होगा। अच्छा फॉर्मल क्या है जी, चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद है जिसके हुक्म से जो है वो रूल्स जो है वो नीचे तक जाएंगे और उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत काम होगा, यानी कवानीन के तहत जो है वो काम होगा, एसओपीज के तहत। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर जो है कोई कवानीन, कोई एसओपीज नहीं है, आप किससे बात करते हैं, नहीं करते, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ठीक है, किसी के साथ क्या कर रहे हैं, कोई चापलूसी है, इस तरह की बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इनफॉर्मल नॉर्म्स के तहत होगा। अच्छा जी एफिशिएंसी जो है अगर हम उसकी बात करते हैं, एफिशिएंसी मटेरियल एंड मेथड्स की जो है उसके थ्रू आएगा फॉर्मल के अंदर, कि एफिशिएंसी आप कैसे लाएंगे, आपको कंप्यूटर अगर चाहिए तो आप कंप्यूटर लेके आएंगे, अगर एडवांस लेवल का चाहिए तो एडवांस लेके आएंगे। एफिशिएंसी बढ़ानी है ना काम की, अपने मेथड यानी अपनी अप्रोच को, तरीकाकार को चेंज करेंगे, ये फॉर्मल है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर क्या है जी, इंटर रिलेशनशिप्स आर नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड हाई प्रोडक्शन, कि इसके लिए क्या चीज जरूरी है कि आपके जो ताल्लुकात हैं अपने जूनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने काम लेना है। क्योंकि अगर एक बॉस है उसके ताल्लुकात अपने जूनियर्स के साथ बेहतर नहीं है तो वो कभी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। यही प्रॉब्लम है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। प्राइवेट में देखिए गपशप के साथ या जो रिलेशन एक बिल्ड होता है वो कुछ और तरह का होता है, वहां पे बॉसी जो एटीट्यूड है वो हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर हमें हाई लेवल के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है, लोग गोल लेवल के ऊपर सब एक दूसरे के एक साथ ही होते हैं, क्योंकि फंक्शन फिर भी वो नहीं होता। अच्छा फॉर्मल जो है वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसका, और फंक्शनल थ्योरी जो है उसके तहत वो काम करता है। और इनफॉर्मल के अंदर सोशो साइकोलॉजिकल है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, कि वहां पे साइकोलॉजी लोगों की असर करती है, एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं वही बात बार बार आ जाती है। जो कल्चर है वर्क एनवायरनमेंट का, सिंपली आप समझिए, ठीक है, जो वर्क एनवायरनमेंट का कल्चर है वो सारे का सारा जो कल्चर है वही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो यहां पे तो डिवीजन है दो तरह की, कि एक ग्रुप ये मानता है कि भाई जो फॉर्मल कल्चर है रस्मी वही सबसे अहम है, और दूसरा ग्रुप ये मानता है कि गैर रस्मी सबसे अहम है, ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हम थ्योरीज के अंदर बात भी कर चुके हैं। लेकिन एट द एंड अगर हम देखते हैं तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो सेम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रस्मी भी जरूरी है और गैर रस्मी भी, क्योंकि अगर सिर्फ गैर रस्मी होगा तो अल्टीमेटली फिर तो काम ही नहीं होगा रस्मी तौर पर। इसी तरह से अगर सिर्फ रस्मी है तो फिर गैर रस्मी फिर तो काम ही बोर बन जाएगा, वहां पर एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मैन रेफर्स टू इनफॉर्मल और मटेरियल रेफर्स टू मेथड रेफर्स टू फॉर्मल, ठीक है जी, कि जो काम करने वाले हैं वो इनफॉर्मल है और जिससे काम लिया जा रहा है जिन चीजों से जो जिस तरीकेकार से वो क्या है फॉर्मल है, necessary for an organization, और ये जरूरी है किसी भी organization के लिए, यानी कि दोनों चीजें ही एक organization के लिए जरूरी हैं, formal भी और informal भी, simply, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये organization और इसकी types जो है वो end हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे जी थ्योरीज की, कि थ्योरीज जो हैं वो organization के अंदर कौन कौन सी हैं।